हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेद के घरेलू नुस्खे। दोस्तों, कुछ लोगों के दांत गुटखा खाने की वजह से काफी काले पड़ जाते हैं, तो आज अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, यानी कि आपके दांत भी गुटखा खाने की वजह से काफी काले पड़ गए हैं, काफी उन पर पीलापन आ गया है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपके दांतों के पीलेपन को दूर करके आपके दांतों को मोती की तरह चमकाने में मदद करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है ये घरेलू नुस्खे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहला नुस्खा है जिसके लिए आपको चाहिए संतरे के छिलके और तुलसी के पत्ते। आप इन दोनों पत्तों को सुखाकर इनका पाउडर बना लीजिए। फिर दोस्तों, आप इस पाउडर की मदद से अपने दांतों को साफ कीजिए। ये आपके दांतों के कालेपन को दूर करने के साथ साथ आपके दांतों को काफी मजबूत बनाएगा और दांतों के कालेपन को भी दूर करेगा। दोस्तों, संतरे में विटामिन सी पाया जाता है जो कि दांतों की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अलावा मेरा दूसरा तरीका है, दोस्तों अगर आपके दांत बहुत ज्यादा काले पड़ गए हैं तो इसके लिए आप नीम के दांतों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। नीम का आप दांतों लीजिए, उससे आप अपने दांतों को साफ कीजिए, क्योंकि नीम के दांतों में एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल गुण होते हैं जो कि आपके दांतों के बैक्टीरिया को रिमूव करेगा, आपके दांतों को काफी मजबूत और स्ट्रांग बनाता है। अगर आपके दांतों पर काफी कालापन है, पीलापन है, तो ये उसे हटाने में भी काफी मदद करता है। इसके अलावा दूसरा जो अगला तीसरा तरीका है वो है नींबू। आप क्या कीजिए, नींबू एक नींबू लीजिए, एक ग्लास पानी लीजिए, उसमें नींबू को निचोड़ कर उसकी मदद से आप अपनी कुल्ला कीजिए, तो इससे आपके दांतों में काफी चमक आएगी, आपके दांतों में जो कालापन है उसको रिमूव करेगा। जब भी दोस्तों आप ब्रश करते हैं टूथपेस्ट, तो आप उसमें बेकिंग सोडा मिलाकर कीजिए, तो ऐसा करने से भी आपके दांतों का कालापन जो है वो बिल्कुल दूर होने लगेगा। इसके अलावा दोस्तों, वैसे जहां तक आप कोशिश कीजिए, आप गुटखे का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि गुटखे की वजह से आपको सबको पता है गुटखा हमारे दांतों के लिए, हमारी पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए कितना हानिकारक होता है, इससे कितने नुकसान होते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। साथ ही आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि जब आप गुटखा खाते हैं तो उसके पैकेट पर भी लिखा रहता है कि ये आपके लिए कितना हानिकारक है, फिर भी आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसका जानते हुए भी अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो कैसे काम चलेगा, तो आप इसका आज से ही इसका इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही गंदा होता है। तो दोस्तों, ये तो मेरा आज के घरेलू नुस्खे। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।